ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय फोर्थ एंड श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वान पुनर्मोहमेवं यस यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्षस्यात्मन्यतो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि आपको एक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे नॉलेज लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। तो हमने उसके कई पहलुओं पर चर्चा करी थी कि गुरु कौन है, अप्रोच कैसे करना है, सेवा करनी है, क्या करना है। और आप बता रहे हैं कि वंस यू हैव टेकन ऑल दिस नॉलेज, जब आपने ये सारी नॉलेज ले ली है उसके बाद तुम कभी दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होगे। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु का मुख्य कारण है मोह से व्यक्ति को दूर करना। जैसा हम पिछले श्लोक में भी डिस्कस कर रहे थे कि गुरु का कारण ये नहीं है कि आपका हेल्थ ठीक बनी रहे, आपका घर परिवार ठीक से चलता रहे। गुरु का काम है व्यक्ति को मोह से दूर करना। और मोह किसको कहते हैं? माया। जैसे कि प्रभुपाद भी परपट में बताते हैं कि जो नहीं है उसको मानना, व्हाट व्हिच इज़ नॉट रियल उसको रियल मानना, और इसमें मोहित हो जाना, इल्यूजनड हो जाना। संसार की चीज़ों को असली मान लेना, संसार की चीज़ों को इटर्नल मान लेना, हमेशा रहने वाली, इसको मोह कहते हैं। इससे मतलब उससे अटैचमेंट, ऐसी चीज़ों से अटैचमेंट को मोह कहते हैं। भगवान से अटैचमेंट को मोह नहीं कहते, उसको प्रेम कहते हैं। इस सांसारिक चीज़ों से अटैचमेंट को मोह कहते हैं, क्योंकि वो प्रेम इल्यूजन है, वास्तव में प्रेम नहीं है, क्योंकि वो वस्तु ही नहीं है जिससे हमें अटैचमेंट है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे कि हमें गर्मियों में दिखता है वो मिराज, कहीं पर लगता है कि पानी है, सड़क दूर सड़क में देखते हैं, तेज धूप में ऐसा लगता है पानी पड़ा है। हाँ, या कोई हिरण है जब एक रेगिस्तान में भाग रहा होता है, या ऐसी जगह पर रेत में, या रेत में हम लोगों को भी दूर में ऐसा लगेगा कि पानी का तालाब है। तो उससे अगर हमें अटैचमेंट हो जाए, वाह 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 भाग के चलते हैं, चलो 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 वहाँ पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। रास्ते में हम सपने संजोए जा रहे हैं, वहाँ पे मैं बिल्कुल कपड़े उतार के बिल्कुल स्विमिंग करूँगा मज़े से, दो घंटे तक निकलूँगा नहीं पानी से। कोई कहेगा जी मैं 10 गिलास पानी पी जाऊँगा। अब रास्ते में चलते 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 हम बहुत सारे सपने संजो रहे हैं, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं अरे वो तो आगे है, थोड़ा सा गलती हो गई कैलकुलेशन में, थोड़ी और आगे जाएंगे तो मिल जाएगा। और इस प्रकार हम भागते रहते हैं और कहते हैं कि मृग या व्यक्ति भी इस प्रकार से भागते भागते मर ही जाता है। इसको मोह कहते हैं। जब हम कृष्ण के पीछे इस प्रकार से भाग रहे हैं तो वो मोह नहीं है, क्योंकि वो यथार्थ एक वस्तु है। और इस तरह से संसार के जितने भी हमारे प्रेम संबंध हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि प्रेम संबंध नहीं बनाने चाहिए, लेकिन उन प्रेम संबंधों के लिए कई बार हम बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मोहित हो जाते हैं कि किसी कोई व्यक्ति अगर प्राण त्यागता है तो साथ में दूसरा व्यक्ति भी प्राण त्याग देता है। रिश्ते नाते वास्तव में परमानेंट नहीं है, हम जानते ही हैं, लेकिन यही रिश्ते नाते जब वैष्णव फिलॉसफी के आधार पर बनते हैं तो उनको हम मोह नहीं कहते, प्रेम कहते हैं। भगवान के धाम में भी रिश्ते हैं, फैमिलीज हम देखते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की फैमिलीज बनाई जाती हैं, और उनका आपस में बहुत अच्छी लीलाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं तो कृष्ण लीला हम जो भी देखते हैं कि राधा रानी के कुछ भाई हैं, कृष्ण के कुछ सखा हैं, बलराम है, उधर वो है, इधर ये है, बुआ है, कुंती महारानी है, इस तरह का एक परिवार है। फिर इन परिवारों में आपसी में लेन देन है, व्यवहार है, यही सब कुछ भगवान दिखाने आए कि गोलोक में यही सब चलता है, वहाँ इटर्नली चलता रहता है, यहाँ पर बीच में मृत्यु आ जाती है, बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए इस यहाँ की चीज़ों को मोहित होना कहते हैं, और ये मोह हमें दुख देता है। संसार में दुख का कारण ये मोह ही कहलाता है। तो ये आप थोड़ा समझने के लिए कि जो इस मोह से दूर करे वास्तव में वही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वही गुरु है, उसका मुख्य कार्य यही है।
तो इसलिए जब आप गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर लोगे ये वाला, तो दोबारा कभी मोह में नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? फिर मोह में कैसे नहीं फंसेंगे? अभी बहुत सारे मोह हैं। कौन किस किस तरह के मोह? पहले तो हमने सुना कि मोह का मतलब है एक तरह का इल्यूजन, जो यहाँ की वस्तुओं से हम हो जाता है, क्योंकि यहाँ की वस्तुएं यथार्थ नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। किस किस तरह का मोह हो जाता है? अलग अलग तरह का मोह हो जाता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मामा है, ये मेरा ताऊ है, ये जानवर है, ये मनुष्य है, और ऐसे न जाने कितने। ये बहुत ही अमीर आदमी है, ये बहुत ही गरीब आदमी है, ये बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, ये अनपढ़ गंवार आदमी है। तो कई तरह के इस तरह का इल्यूजन। इसको इल्यूजन क्यों कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम देख सकोगे कि ये जो सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, हाँ, मामा में, ताऊ में, जानवर में, इंसान में, पढ़े लिखे में, अमीर में, गरीब में, ये सारे देह के आधार पर हैं। क्योंकि तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, और अंत में अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि जितने भी जीवात्मा हैं, मामे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सब जितने भी अंश में, ये मेरे ही अंश हैं, जीवात्माएं। तो इसका मतलब किसी जीवात्मा को दुख पहुंचाना मतलब भगवान को दुख पहुंचाना। यदि कोई किसी को मार के खाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान को दुख पहुंचा रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस ज्ञान के द्वारा तुम देखो सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। एक और श्लोक आता है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चाहिए वो चभागे जा पंडिता समदर्शिना, कि वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है जो एक ब्राह्मण को, एक हाथी को, एक गाय को, एक बैल को, एक गधे को, इन सब को एक ही नज़र से देख सके। किस नज़र से? कि ये सब भगवान के ही अंश हैं। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है गुरु के पास जाके, और जो इस प्रकार से चीज़ों को देखता है, ये दुश्मन नहीं है, ये दोस्त नहीं, ये दोस्ती दुश्मनी तो इस जीवन में है, जीवन समाप्त तो इसको भी याद नहीं रहेगा मैं कौन हूँ, मुझे भी याद नहीं रहेगा ये कौन है, काहे की दुश्मनी, कोई दुश्मनी रहेगी नहीं वास्तव में मृत्यु के बाद। तो इस तरह से समझता है कि ये टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में। आज हम इसको कह रहे हैं ये अमेरिकन है इसको भगाओ, ये इंडियन है इसको भगाओ, ये भी सब टेम्परेरी नॉलेज है क्योंकि शरीर के आधार पर है। आज हम कह रहे हैं शूद्र है, ओ शूद्र शूद्र शूद्र, दूर करो दूर करो, ना ये ब्राह्मण है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये डिफरेंस भी बॉडी के आधार पर है, इसलिए ये देखना और ये देख के थोड़ा सा डिफरेंस करना ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम हर चीज़ में, हर चीज़ को, हर वस्तु को कृष्ण का अंश रूप देख पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि ये सब एवरीबडी बिलोंग्स टू कृष्णा। और इस प्रकार से प्रभुपाद कहते थे एक यूनिवर्सल, एक कॉपरेशन आ सकता है, एक यूनिवर्सल प्रेम आ सकता है, एक हेट्रेड घृणा आपस में समाप्त हो सकती है। जब हम सबको कृष्ण के अंश के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हमारी घृणा, एनवियसनेस और कई चीज़ें समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से भी हमें प्रेम करना पड़ेगा। हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो उसके बच्चे भी हमें अच्छे लगने पड़ेंगे, वास्तव में अपने आप ही लगेंगे। कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अवगुण दिखने ही बंद जाते हैं, वास्तव में एक गुण है ये, किसी के अवगुण ना देखना, उसके गुणों को देखना। तो जब प्रेम हो जाता है, जब हमें भगवान से प्रेम होता है तो हमें हर चीज़ से प्रेम हो जाता है। वास्तव में ये लक्षण है कि किस व्यक्ति के अंदर भगवान से कितना प्रेम है। वो लक्षण कैसे दिखेगा? कि हम लोग हर जीवात्मा के लिए कितना दयालु हैं, हमारे हृदय में कितनी दया है सबके लिए, कंपैशन है, जितना कंपैशन है हर जीव के लिए, ना कि अपनों के लिए, अपने खूनी रिश्तों के लिए, बल्कि सबके लिए, उससे पता चलेगा कि हमारे हृदय में भगवान के लिए कितना प्रेम पैदा हो चुका है। तो इसलिए बता रहे हैं कि इस ज्ञान के बाद तुम देख सकोगे कि सभी जीव मेरे अंश हैं, यानी कि यही ज्ञान देना चाहिए गुरु को मुख्यतः, कि तुम एक आत्मा हो, ये भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है, ये आत्मा भी थोड़ी भटकी हुई है तो कृष्ण की ही, लेकिन जैसे पिताजी से ये नाराज है थोड़ा, ये पिताजी से ये भी नाराज है, ये पिताजी से नाराज नहीं है, यानी कि ये डिवोटी है, ये पिताजी से प्रेम करने लगा है, लेकिन ये थोड़े दिनों के लिए नाराज है। अब क्यों ना इस नाराज आत्मा को भी पिताजी के पास ले के जाया जाए, तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार की थिंकिंग एक डिवोटी की हो जाती है। तो यही है
लक्षण इस बात का कि वो व्यक्ति किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास है और उससे सही तरीके से ज्ञान ले रहा है। पूर्वा बताते हैं कि यह विचार सर्वथा भौतिक है। कौन सा विचार? मायावादियों का विचार कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। तो यहाँ पे बताया भगवान ने कि सब मेरे अंश हैं। तो मायावादी कहते हैं कि जब एक सेब के इतने सारे टुकड़े कर दिए तो सेब कहाँ बचा, सेब तो खत्म हो गया। तो वैसे ही जब कृष्ण के इतने सारे अंश हो गए तो कृष्ण बचे ही कहाँ, कृष्ण समाप्त हो गए, इसलिए वो है निराकार। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल वेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है ऐसा, हम उसी को आध्यात्मिक जगत के अनुभव से मैच करते हैं कि किसी वस्तु का खंडन कर दिया जाए तो उसका मूल स्वरूप समाप्त हो जाता है। किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है एक और एक मिलकर एक, और एक में से एक माइनस फिर भी एक, ये है परब्रह्म का सही स्वरूप। उसमें से निकाल के उसको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे समुद्र में से कितने पानी लोटे निकाल लें कि समुद्र में से बोलें कि समुद्र का पानी थोड़ा कम हो गया, कितने पानी लोटे बताइए, कितने लोटे, 10 लोटे, 100 लोटे, 1000 लोटे, 2000 लोटे, 10000 लोटे, 1,00,000 लोटे, ये तो केवल एक समुद्र है। अब सोचिए कृष्ण के बारे में क्या बोला जाए। तो इस तरह से कितना भी उसमें से निकाल लिया जाए उसमें कुछ घटता नहीं है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं और इसलिए हम अपने को कृष्ण से अलग सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। फिर भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं, उनके भिन्न अंश तो हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है और वास्तविक सत्य नहीं है। शारीरिक अंतर जो है वो माया है, क्योंकि शरीर एक आवरण की तरह है। जैसे कि यदि मैंने सफ़ेद कपड़ा पहना है, आपने लाल कपड़ा पहना है, फिर भी आप मनुष्य हैं और मैं मनुष्य हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि लाल कपड़े वाले सारे बैल हैं। तो इस प्रकार से ये कपड़ों का डिफरेंस है। आज मैंने सफ़ेद पहने हैं, कल मैं काला पहन लूँगा, परसों मैं लाल पहन लूँगा। उसी तरीके से ये शारीरिक अंतर भी टेम्परेरी हैं, सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। हम सभी का पर्पस है कृष्ण को प्रसन्न करना, केवल माया के कारण अर्जुन ने ऐसा सोचा कि उसका जो रिश्ता है उसके संबंधियों से अलग अलग जो युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण से। इसलिए वो अज्ञान में ये बोलता है कृष्ण मैं तो लड़ाई नहीं लड़ूंगा, ये रहा गांडीव, आई एम नॉट फाइटिंग। तो वो भूल गया कि जो कृष्ण के साथ संबंध है वो शाश्वत है और वही गाइड करेंगे कि बाकियों के साथ संबंध किस प्रकार से होना चाहिए। तो गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव कृष्ण से पृथक नहीं हो सकता। वो तो कृष्ण का दास है, उसका पर्पस है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। हम भगवान के क्या हैं? हम भगवान के अंश हैं, भिन्न अंश, और हमारा एक विशेष उद्देश्य है कैसे हम अपने आप को शुद्ध करें और भगवान के पास वापस जाएं। उस उद्देश्य को बुझाने के कारण अनादिकाल से हम मनुष्य, पशु, देवता अलग अलग देहों में आ रहे हैं और ये शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। जब भगवान की सेवा में नहीं लगते तो ये विस्मरण हो जाता है, होता है कि नहीं? जैसे अभी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे, माना आप लोग ये जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं और कुछ कुछ सेवाएं कर रहे हैं। माना आप यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं किसी जॉब के कारण, किसी बिजनेस के कारण, और ये जूम क्लास अटेंड बंद करते हैं। धीरे 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 क्या होगा, सेवाएं कुछ हम बैठ के करते थे, अब उस सेवाओं से भी मन हटता चला गया और थोड़े समय बाद हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि हम अपना कनेक्शन बना के नहीं रखेंगे, और कई लोग ऐसे हैं जो न जाने कितने 100 किलोमीटर दूर हैं लेकिन वो रेगुलर टच बनाए हुए हैं, और रेगुलर टच में रहने के कारण उनकी सेवाएं नियमित रूप से चल रही हैं, उनका श्रवण कीर्तन नियमित रूप से चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना कनेक्शन बना के रखते हैं। यदि हम कनेक्शन तोड़ देंगे ना तो हमारी सेवा साधना सब खत्म हो जाएगी। यही बता रहे हैं कि भगवान की दिव्य सेवा से विस्मरण से हम ये मोह में फंस जाते हैं, हम इस संसार को असली मानने बैठ जाते हैं, हम इन टेम्परेरी रिश्तों को इटर्नल मानने लगते हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लगता है तो इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। हाँ, ऐसा भी नहीं है। देखिए अभी बोला था कि हम कृष्ण के ही तुल्य हैं और कृष्ण के तुल्य नहीं भी हैं, क्योंकि हम गुणात्मक रूप से हमारे अंदर भी वैसी ही
गुण पाए जाते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली मात्रा के रूप में हम बहुत ही सूक्ष्म हैं कृष्ण के सामने। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित हो जाता है और अपने अस्तित्व अपने को अलग मानता है। और इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वो मुक्ति पथ पर हैं। तो मुक्ति का वास्तविक मतलब बताया जा रहा है। मुक्ति का वास्तविक मतलब क्या है? मुक्ति का वास्तविक मतलब है कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में होना, ये मुक्ति का रियल डेफिनेशन है। लोग सोचते हैं शरीर से आत्मा निकल गई, मुक्ति हो गई। मुक्ति नहीं होती उससे, उसमें तो तुरंत थोड़ी देर में दूसरे शरीर के अंदर घुसा दिया जाता है। मुक्ति होती है जब हम कृष्ण के दास के रूप में स्थित होते हैं, चाहे किसी भौतिक शरीर में ही क्यों ना हो। तो हम अभी प्रेजेंट शरीर में, यदि हमारा पूरा दिन इसी सोच में जाए, हाउ कैन आई प्लीज माई गुरु, हाउ कैन आई प्लीज माई कृष्णा, समझ लिए वो व्यक्ति ऑलरेडी मुक्त है। वो किसी कारण से शरीर के अंदर है, भगवान की ऐसी इच्छा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है समझने के लिए, वो ये है कि अब जब तक हम जीवों के शरीरों के आधार पर उनके अंदर भिन्नता देखेंगे, तब तक हम पूर्ण ज्ञान में स्थित नहीं है। जब तक हम इस तरीके से नहीं देखते कि हर प्राणी हर जीव कृष्ण का भिन्न अंश है, और हमारा कर्तव्य है कि हम हर व्यक्ति को कृष्ण का नित्य दास की वो याद दिलाएं कि वो कृष्ण का नित्य दास है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।